मलिष का लक्ष्मी के सामने कर देगी सबसे बड़े राज का खुलासा और लक्ष्मी को कह देगी कि मैं ऋषि से प्यार करती हूँ, वो भी हमेशा से, जिसे सुनकर हिल जाएगी लक्ष्मी। लेकिन पटाखों की वजह से मलिष का लक्ष्मी की जान पर आएगा बड़ा खतरा और हो जाएगी लक्ष्मी ऋषि से दूर और देख लेगी ऋषि की माँ। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब लक्ष्मी विराज को कहेगी कि मैं ऋषि से बहुत प्यार करती हूँ और कभी कभी मुझे लगता है कि मैं जितना ऋषि से प्यार करती हूँ उससे भी कई गुना ज्यादा वो मुझसे प्यार करते हैं, तब बाथरूम में ऋषि के साथ छिपी हुई मलिष का ऋषि पर अचानक से गुस्सा हो जाएगी और गुस्से में ऋषि को कह देगी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, आई हेट यू ऋषि। ये गुस्से से मलिष का ऋषि को कहकर लक्ष्मी विराज के जाने के बाद खुद चली जाएगी और ऋषि मलिष का को लेकर अपने बेडरूम में पागल हो रहा होगा। लेकिन तभी ऋषि को मलिष का के लिए पागल होते हुए देख लेगी ऋषि की माँ और ऋषि की माँ ऋषि को समझाती हुई कहेगी कि अभी तुम जिस रिश्ते में हो उस रिश्ते की कदर करो और ये बात हमारी हमेशा याद रखना। ये सुनकर ऋषि मलिष का के बारे में सोचना बंद कर देगा। लेकिन जब दिवाली की पार्टी में लक्ष्मी को ऋषि का सारा काम होगा तब लक्ष्मी मलिष्का को कहकर जा रही होगी कि रुको सारा, मुझे ऋषि का सारा काम है, तब मलिष्का जबरदस्ती लक्ष्मी का जोर से हाथ पकड़ लेगी और गुस्से से लक्ष्मी को कहेगी कि कहीं नहीं जाओगी तुम। ये सुनकर लक्ष्मी कहेगी कि क्या हुआ, तब मलिष्का कुछ बोल नहीं पाएगी जिस वजह से विराज भी मलिष्का से सवाल करेगा कि क्या हुआ, लक्ष्मी को बताओ जरा, तब मलिष्का कुछ बोल नहीं पाएगी और लक्ष्मी किसी काम की वजह से ऋषि के पास चली जाएगी और ऋषि की माँ के सामने ऋषि के साथ लक्ष्मी थोड़ा हंसी मजाक करेगी जिसे देखकर मलिष्का काफी ज्यादा जलस होगी, जिस वजह से बड़े राज का खुलासा होगा कि जब लक्ष्मी गार्डन के बीच में घूमट के नीचे दिए रख रही होगी तभी मलिष्का लक्ष्मी के अकेलेपन का फायदा उठाकर लक्ष्मी के पास जाएगी और लक्ष्मी को गुस्से से कहेगी कि मैं ऋषि से प्यार करती हूँ। यह सुनकर लक्ष्मी को एक पल के लिए काफी बड़ा शॉक लगेगा जिस वजह से लक्ष्मी मलिष्का को कहेगी कि तुम तो उसकी दोस्त हो ना, तब मलिष्का और ज्यादा गुस्से से कहेगी कि मैं उसकी दोस्त नहीं हूँ बल्कि मैं उसका सच्चा प्यार हूँ और ऋषि भी मुझसे बहुत प्यार करता है, वो भी पहले से, जिसे सुनकर लक्ष्मी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और लक्ष्मी मलिष्का को मुंह तोड़ जवाब देती हुई कहेगी कि ऋषि मेरा पति है, मेरा सुहाग है और तुम कैसी बात कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या। यह सुनकर मलिष्का कहेगी कि नहीं, ऋषि मुझसे बहुत पहले से प्यार करता है और बीच में तो आई तो तुम हो, मैं नहीं। यह सुनकर लक्ष्मी के होश उड़ जाएंगे लेकिन ऋषि मलिष्का से प्यार करता है यह लक्ष्मी का शक यकीन में तब बदलेगा जब लक्ष्मी मलिष्का दोनों गार्डन में होंगे, तभी लक्ष्मी और मलिष्का के चारों ओर काफी ज्यादा पटाखे फूटने की वजह से दोनों की जान खतरे में आएगी। वहीं ऋषि गार्डन के साइड में जब खड़ा होगा तब ऋषि को सिर्फ मलिष्का ही खतरे में दिखाई देने की वजह से लक्ष्मी मलिष्का की जान बचाने के लिए दौड़ते हुए आयुष के पास से दुपट्टा लेकर गार्डन में पहुंच जाएगा जहां पर ऋषि की नजर लक्ष्मी पर भी पड़ेगी और एक पल के लिए ऋषि लक्ष्मी की जान खतरे में देख हिल जाएगा। लेकिन ऋषि सिर्फ मलिष्का को मनाने के लिए और मलिष्का के सामने साबित करने के लिए कि वो सिर्फ उसका है और वो बदला नहीं है, इसी वजह से ऋषि अपनी पत्नी लक्ष्मी को छोड़ मलिष्का की जान बचाएगा जिसे देख लक्ष्मी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और लक्ष्मी को एहसास हो जाएगा कि ऋषि को सच में मलिष्का से प्यार है और उसकी जान की परवाह है, जिस वजह से खुद आने वाले एपिसोड में लक्ष्मी ऋषि की खुशी के लिए ऋषि से दूर होने का फैसला लेगी और लक्ष्मी को ऋषि को छोड़ देना चाहिए क्या नहीं और ऋषि लक्ष्मी की जोड़ी अलग हो गई तो इसके बारे में आपकी राय क्या है और आपको ऋषि लक्ष्मी की जोड़ी कैसी लग रही है, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।